हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा सरकार द्वारा चलाई योजनाएं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी बताऊंगा। ये क्वेश्चंस हरियाणा के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। और यह हरियाणा सरकार द्वारा चलाई योजनाओं का भाग एक है, जल्द ही पार्ट टू भी आने वाला है, इसलिए आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। और हरियाणा जीके और डेली करंट अफेयर की वीडियोज के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से प्रारंभ की थी? तो इसमें आंसर आएगा, यह योजना पानीपत से शुरू की गई थी और इस योजना का प्रारंभ 22 जनवरी 2015 से किया गया था, और वहीं यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का संबंध किस विभाग से है? तो इसमें आंसर आएगा, इसका संबंध है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। और वहीं यह योजना भी 22 जनवरी 2015 से शुरू की गई, और ऐसे विभाग जिसकी तीसरी बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 या उसके बाद हुआ है वे सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और वहीं इस योजना के तहत जो इनाम राशि दी जाएगी वो होगी 21,000 रुपये, और इस योजना के तहत कन्या के नाम पर पैसे भारतीय जीवन बीमा निगम में लगाई जाएगी, और ये पैसे कन्या के 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई थी? तो इसमें आंसर आएगा, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2004 को की गई थी। इसमें आप याद रख सकते हैं, मिड किसी भी चीज के मिडल पार्ट को कहते हैं, और 15 अगस्त यानी 15 तारीख आपकी जो है महीने के बीच में आती है, तो इसको आप आसानी से इस प्रकार से याद रख सकते हैं, मिड डे मील 15 अगस्त को, और ये 15 अगस्त 2004 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना की आधारशिला कहां रखी? तो इसमें आंसर आएगा, जय जवान आवास योजना की आधारशिला बहादुरगढ़ में रखी गई। इसको आप याद रख सकते हैं कि भारत के जवान बहुत ही बहादुर है, तो इसमें आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, जय जवान आवास योजना की शुरुआत बहादुरगढ़ से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 2016 को ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ हरियाणा में कहां से किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, इसका शुभारंभ हरियाणा में हिसार से किया गया, और इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे भारत उदय अभियान में अब गांव के लोग भी हिस्सा लेंगे, हिस्सा से आप याद रख सकते हैं हिसार, और भारत उदय अभियान में गांव के लोग हिस्सा लेंगे, इसे याद रख सकते हैं ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? तो इसमें आंसर आएगा, पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी, और वहीं इसकी शुरुआत हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा शुरू की गई, और कृषि मंत्रालय के अलावा ओम प्रकाश धनखड़ के पास विकास एवं पंचायत, पशुपालन एवं डेयरी, खनन एवं भू विज्ञान और मत्स्य पालन विभाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? तो इसमें आंसर आएगा, यह परियोजना पश्चिम यमुना नहर पर बनी हुई है, और वहीं यह परियोजना हरियाणा के सोनीपत जिले में बनी हुई है, और वहीं इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कितने लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसमें आंसर आएगा, 1 लाख मवेशियों को, और पशुधन बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को जज्जर से ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य निम्न में से क्या है? आपके ऑप्शन है, यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निशुल्क है। नेक्स्ट है, गाय भैंस सांड और ऊंटों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, भेड़ बकरी और सूअरों के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा। तो इसमें आपके तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार बीपीएल और एससी परिवारों को विवाह में कितनी राशि देती है?
तो इसमें आंसर आएगा 41,000 रुपये, और पहले यह राशि थी 31,000 रुपये। और वहीं इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना स्कीम का नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना भी कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, तो उसमें भी आपका आंसर आएगा 41,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का संपूर्ण हरियाणा में विस्तार कब किया गया? हरियाणा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 से लागू की गई, और 2 फरवरी 2006 को राज्य में प्रथम चरण में यह योजना सिर्फ 2 जिलों सिरसा और महेंद्रगढ़ में लागू की गई थी, और दूसरे चरण में अप्रैल 2007 से यह प्रदेश के मेवात और अंबाला जिले के सभी गांव में लागू की गई, और 1 अप्रैल 2008 से यह योजना राज्य के शेष जिलों यानी संपूर्ण हरियाणा में लागू हो गई। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 1 अप्रैल 2008, जो कि ऑप्शनों में आपके ऑप्शनों में दिया नहीं हुआ है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत मुख्यमंत्री ने कौन सा गांव गोद ले रखा है? तो इसमें आंसर आएगा, इसमें मुख्यमंत्री ने क्योंडक गांव गोद ले रखा है, और यह गांव कैथल जिले में स्थित है। वहीं आपका पहला ऑप्शन है खटकड़, खटकड़ हरियाणा के जींद जिले में है, और यह चौधरी वीरेंद्र सिंह ने गोद ले रखा है। नेक्स्ट है बोलनी गांव, बोलनी गांव रेवाड़ी जिले में है, और यह राव इंद्रजीत सिंह ने गोद ले रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन है निंदाना खास, निंदाना खास रोहतक जिले में है, और यह सुरेश प्रभु ने गोद ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा में बालिका वर्ष मनाया गया? तो इसमें आंसर आएगा, यह मनाया गया 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया? तो इसमें आंसर आएगा, ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष को किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया गया? तो इसमें आंसर आएगा, किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया गया 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई थी? तो इसमें आंसर आएगा, इसको मंजूरी 21 अप्रैल 1994 को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना की शुरुआत हरियाणा में कब की गई थी? तो इसमें आंसर आएगा, इसकी शुरुआत जनवरी 2014 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसमें आंसर आएगा, इस योजना की शुरुआत 8 जून 2013 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक पंचकुला की स्थापना कब की गई? तो इसमें आंसर आएगा, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई, और हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को ही पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा अक्टूबर 2015 में कौन से मुख्यमंत्री ने की थी? तो इसमें आंसर आएगा, इसकी घोषणा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रियदर्शनी आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसमें आंसर आएगा, इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसमें आंसर आएगा, इसकी शुरुआत 2005-06 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? तो इसमें आंसर आएगा, कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध हरियाणा राज्य में महिलाओं से है? तो इसमें आंसर आएगा, वंदे मातरम योजना का, और वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। वहीं आपका एक ऑप्शन है फेयर प्ले स्कॉलरशिप, फेयर प्ले स्कॉलरशिप योजना 2 सितंबर 2011 को हरियाणा में अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य वन नीति किस वर्ष बनाई गई? तो इसमें आंसर आएगा, वन संपदा के सतत विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वन नीति 2006 में लागू की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो इसमें आंसर आएगा स्वयं सिद्ध योजना। स्वयं सिद्ध योजना 2001 को शुरू की गई थी और यह योजना नारी शक्ति को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा राज्य में कब लागू की गई? तो इसमें आंसर आएगा यह योजना 1 जनवरी 2006 को हरियाणा राज्य में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की सहायता से हरियाणा में हरियाणा सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई? तो इसमें आंसर आएगा यह 1998-99 में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली योजना कब शुरू की गई? तो इसमें आंसर आएगा लाडली योजना 15 अगस्त 2005 को शुरू की गई। आपको डिफरेंस रखना है, अगर आपसे पूछा जाए लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी और वही लाडली योजना 15 अगस्त 2005 को शुरू की गई, और लाडली योजना हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? तो इन योजनाओं में पानीपत से प्रारंभ किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को, और यह योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से की? तो इसमें आंसर आएगा इसकी शुरुआत ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा 29 जुलाई 2015 को झज्जर से की गई। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग और वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और हरियाणा जीके की वीडियोज के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिस पर आप लेटेस्ट डेली करंट अफेयर वीडियोज लेटेस्ट हरियाणा जीके की वीडियोज पा सकते हैं।